नमस्कार, नो द नेशन में आपका स्वागत है और मैं हूँ गरिमा। आज मैं यहाँ पे कवर करने के लिए आई हूँ ग्राउंड में एक विशेष कहानी। ये कहानी है बदलाव की, ये कहानी है परिवर्तन की, जो इन गाँव वालों के सामने हुआ है। कमी से भरमार की ओर बढ़ने की कहानी, पानी की कहानी। तो चले, आपका नाम? दीपिका बहन। नमस्कार, मैं गरिमा हूँ। और आपके घर में नल लगा हुआ है? है ना। कहाँ लगा हुआ है? बाहर। तो कब से लगा हुआ है? वो 4-5-6 साल लगा है। किसने लगवाया आपके घर में नल? मोदी जी ने। मोदी जी ने। अच्छा, मोदी जी कहते हैं कि हर घर में नल लगा हुआ है। बैठ सकती हूँ यहाँ पे? बैठो बैठो। मोदी जी कहते हैं कि हर घर नल योजना, कि सब घरों में नल लगा हुआ है। तो सिर्फ आप ही के घर में नल लगा है? नहीं, सबके घर में है, हमारे गांव में। पूरे गांव में लगा हुआ है? पूरे गांव में। अच्छा, तो नल पहले नहीं था, तो उससे पहले क्या होता था? पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, ज्यादा दूर से लाना पड़ता था। आप कहाँ से आई हो? मैं तो दिल्ली से आई हूँ और मैं ये स्टोरी कवर करने के लिए आई हूँ। क्या सही में यहाँ पे गाँव में सब जगह नल लगा हुआ है कि नहीं, तो बात करें इसके ऊपर। आप बैठो थोड़ी देर, मैं चाय पानी करके आती हूँ। अच्छा चलो ठीक है। धन्यवाद धन्यवाद। चलिए, अब तो चाय भी आ गई है, तो करते हैं चाय पर चर्चा। जब आपको पता चला कि यहाँ पानी नहीं था और जब नल लगा, उसकी पूरी एक स्टोरी आप अपने बताइए हमें। पहले जब शादी करके आई थी तब पानी बहुत दिक्कत था लाने में। जब थोड़े साल हो गए, बाद में नल आ गए, तो दूर वो हमारे कपड़े धोने के लिए नहीं जाना पड़ता। वो पशु वगैरह है, उसको पानी पिलाने के लिए वो भी एक समस्या थी। जो 2:30 बजे पिलाना पड़ता था, वो दूर से लाके, वो भी घर में नल आ गया, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं पिलाने में। कितनी दूर था पहले आपको पानी लेने कहाँ जाना पड़ता? 1.5 किलोमीटर तक जाना पड़ता था पानी लाने के लिए। तो आप मतलब पैदल जाते थे? पैदल जाते रोज रोज। अच्छा, तो क्या टाइमिंग था पानी का, मतलब कब जाते थे? सुबह के टाइम पे जाते थे? सुबह 4 बजे उठ के पानी भरने के लिए जाते थे। तो पूरे दिन का पानी उसी टाइम भर लेते? उसी टाइम भर लेते, बीच बीच में नहीं चक्कर लगता? नहीं जाते थे। तो अभी जब नल आया, उसके बाद क्या बदलाव आया? अभी तो टाइम बच जाता है, घर में नल आता है, जब भी चाहो नल खोल के पानी ले लेना पड़ता है। पानी किस टाइम आता है आपके पास? हर रोज शाम, सुबह से शाम तक पानी, 24 घंटे पानी, 24 घंटे पानी आता है। जो हर घर नल योजना है, उसी के थ्रू पानी लगाया है या फिर आपने अपना लगाया है कुछ? उसी के थ्रू पानी का सेफ्टी मिला है, मोदी जी ने घर घर में नल रखवा दिए हैं। तो ऐसा तो नहीं कि आप ही के घर में लगा होगा, आस पड़ोस में आप ही के घर से सब पानी? सबके घर, सबके घर लगे हैं नल। मतलब इस लाइन में आपका ही लगा है या सबका लगा है? सबका लगा है, सबके घर में अपना अपना है। तो अब बात करते हैं हम इनकी सास से। आपका नाम क्या है? लीला बहन। आप बताइए, आप अपनी कहानी बताइए कि जब आप जाती थी पानी लेने के लिए, क्योंकि नल तो इन्होंने बताया कि इनकी शादी के बाद लगा, तो आपने कितना सहा है, आप कैसे जाते थे पानी लेने के लिए, क्या क्या दिक्कतें पड़ती थी सामने, अपनी कहानी बताइए। एक डोर कलक अच्छी पानी लावता था, तुम्हारे से थोड़ा जोर से बताइए, जोर से। खाड़ी थी, पानी लावता था, वो दूर से लावता था पानी। वो हमें तो कहीं मुसीबत पड़ी नहीं, हमारा मन बहुत मुसीबत पड़ ली, 10-12 वर्ष लावा पानी। आप कह रहे हो बहू को मुसीबत नहीं पड़ी, आपको ज्यादा मुसीबत पड़ी? हाँ।
पानी नल लाने से कितनी सुविधा मिली है आपको, कितना समय बचा है आपका? हमारा बहुत समय बचा है, एक घंटे में हम सब पानी भर जाते हैं और बाकी का समय हम खेती बाड़ी का काम करते हैं और बच्चे भी संभालते हैं, हमारा छोकरा का छोकरा है ना उसको भी हम संभालते हैं। तो हर घर नल से जल यहाँ पे लगा जल हुआ है। लगा है तो फिर किसने लगाया है आपके सबसे, किसने दिया है आपको नल? मोदी जी के राज में हम इतना खुशी है और अच्छा ही खुशी है, फिर भी मोदी जी आएगा आएगा ना आएगा। अच्छा, आपको लग रहा है मोदी जी लग रहा है मोदी जी आएगा। चलिए और लोगों से भी पूछते हैं और गांव में घूमते हैं और देखते हैं कि उनके घरों में भी नलों का कनेक्शन है कि नहीं। हेलो नमस्कार, मेरा नाम गरिमा है, आपका नाम? उर्वशी। आपका नाम? साइस्ता। आपके घर में नल लगा हुआ है? हाँ, लगे वाला है। लगा हुआ? हाँ। आपके घर में? हाँ, कहाँ है नल? ये रहा, ये नल आपका है? हाँ, ये मेरा है। तो हर घर के पास आप बोल रहे हो नल है? हाँ है। हर घर नल योजना सबको मिली है? सबको है। कोई ऐसा तो नहीं छूट गया हो कोई घर? नहीं नहीं, सबके घर पे है। सबके घर पे है। हाँ। तो ये पीने वाला पानी आता? हाँ, है पीने वाला है, साफ पानी है? साफ पानी है, लेके आऊं आपके लिए? हाँ, पिला दीजिए, पिला दीजिए। आ गया पानी? हाँ। धन्यवाद। तो ये है हर घर नल से जल, ये आप देख सकते हैं पानी मुझे दिया है इन्होंने और अपने नल से भर के दिया है और इनका कहना है कि बिल्कुल स्वच्छ पानी है। स्वच्छ पानी है कि नहीं? स्वच्छ पानी है, यही हम पीते हैं। यही पीते हो? हाँ। कुछ होगा तो नहीं ना इसको? हाँ, पी के कुछ नहीं होगा। चलो ठीक है, ये पानी हम पीते हैं। पानी बहुत अच्छा है, मीठा पानी है, साफ पानी है। हर घर नल से जल 100% प्रूव्ड। मोदी के गुजरात में कार्यभार संभालने के बाद से पानी पर बहुत बड़ा अभियान लेकर काम चालू हुआ है, जिसका आज सीधा सीधा नतीजा गुजरात के लोग, गुजरात की महिलाएं और अनगिनत परिवार महसूस कर रहे हैं। पानी समिति से लेकर चेक डैम्स जैसे प्रयास और सुजलाम सुफलाम सोनी योजना और नर्मदा डैम के लिए उठाए गए कदम, इसके अलावा हर घर जल पहुंचाने का अभूतपूर्व टारगेट, किसने सोचा था कि कभी सूखे से जूझने वाला गुजरात आज जल समृद्ध होगा। वो कहते हैं ना, मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है।